अलावा चीचावतनी में भी सीमेंट, सरिया, रेत और बजरी की कीमतों में होशुवा इजाफा होने से तामीराती सरगर्मियां मांद पड़ चुकी हैं। अवाम का तामीराती बजट बुरी तरह मुतासर होने लगा। इसी पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सुहेल हबीब से। सुहेल हबीब, आगाह कीजिएगा, क्या वजह है कि तामीराती मटीरियल इतना महंगा हो रहा है? चीचावतनी में सीमेंट, सरिया, बजरी और रेत की कीमतों में होशरबा इजाफे के बाद शहर में तामीराती मंसूबों पर काम जो है वो मांद पड़ गया है। बहुत सारे ठेकेदारों ने तामीराती शोबों पर जो काम जारी था वो रोक दिया है। वजह यही बताई जा रही है कि हालिया तकरीबन एक माह के दौरान तामीराती शोबा में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल की कीमतों में तकरीबन 30 से 40% इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त चीचावतनी में सीमेंट की बोरी तकरीबन 900 रुपये तक पहुँच चुकी है, बजरी जो है वो 90 रुपये फुट तक पहुंच चुकी है, और जबकि जो सरिया है वो 210 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। अवामी हलकों का कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अवाम को रिलीफ देने के लिए तामीराती शोबे में सब्सिडी देने का ऐलान किया था, जबकि जो सूरत हाल है वो इसके बरक्स नज़र आ रही है। इस वक्त कीमतें हैं वो तामीराती शोबे में यकदम बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से जो तामीराती शोबा है वो बुरी तरह मुतासर हो रहा है। अवामी हलकों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से सूरत हाल का नोटिस लेकर ग्राम फरोशी पर पाने के लिए अहकाम जारी करने की अपील की है। जी सुहेल हबीब, अपडेट करने का शुक्रिया। और अब रुख करेंगे अलीपुर का।